लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हैं, तो वहीं नए अध्यक्ष के चेहरे की चर्चा जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता पद की पेशकश करती है तो वह इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने राहुल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व की आलोचना भी की है। तिरुवनंतपुरम में लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए थरूर ने सोमवार को एक टीवी न्यूज़ से कहा कि अगर पेशकश की गई तो वो कांग्रेस में लोकसभा नेता बनने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की मुख्य चुनावी थीम न्याय को मतदाताओं के समक्ष ठीक से नहीं रखा गया। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहिए ताकि उनके मार्गदर्शन में पार्टी आगे चले। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी राहुल की सदस्यता के लिए क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति पर विचार कर सकती है। थरूर 2009 में तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में उन्होंने बीजेपी के ओ राजगोपाल के खिलाफ मात्र 15,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार उन्होंने बीजेपी के राजशेखर को 99,089 वोटों से शिकस्त दी है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों को भारत की हिंदुत्व अवधारणा को चुनौती देनी होगी, जिसने नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण पर लगभग जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और इस बार 52 सीटें खाते में आई हैं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के लिए 55 सांसदों की जरूरत होती है। पिछली बार कांग्रेस को यह पद नहीं मिला था, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने थे। इस बार वह भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में लोकसभा में नेता कांग्रेस बनने के लिए शशि थरूर, मनीष तिवारी, राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में संसद में कांग्रेस के जो सांसद होंगे उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। राहुल गांधी करेंगे, शशि थरूर करेंगे या फिर मनीष तिवारी करेंगे। आने वाले इन तीनों चेहरों में से कोई ना कोई एक होगा। राहुल गांधी वहीं अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पार्टी एक महीने के अंदर ही कोई नया अध्यक्ष तलाश ले। वो इस्तीफा देने का जो उनका इरादा है उसे बदलेंगे नहीं।